नमस्कार दोस्तों, मैं गुनगुन रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं और मेरा परिवार काफ़ी मतलब 1-1.5 सालों से मेरे पिताजी की तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं। और काफ़ी मतलब जैसे कुछ भी इश्यूज होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं हेल्थ इशूज़ होने से, तो हमने कई बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, टेस्ट कराया, और जो भी मतलब जो समझ में आता था कि जैसी प्रॉब्लम समस्याएं हैं तो वैसा सारा टेस्ट वेस्ट करवाते थे। सारे रिपोर्ट नॉर्मल ही आते थे, कभी ये समस्या समझ में ही नहीं आती थी कि आखिर हुआ क्या है। वैसे मेरे पापा जी को गैस्ट्रिक इशू हो रहा है हमेशा, मतलब काफ़ी सालों से, तो वो पेट से संबंधित समस्याएँ हैं। तो स्पेशलिस्ट जैसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो हमने बड़े बड़े सिटी में गए, डॉक्टर्स को दिखाया काफ़ी जगह, बट रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेजर इश्यूज ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया, सब चीज़ ठीक है ऐसा बोलते हैं, और जनरल दवाइयाँ रहती हैं, चल रही होती हैं। तो हमेशा ऐसा रहा है कि हमेशा 10-15 दिन ठीक रहते हैं, फिर वैसे ही मतलब उनको कमजोरी होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, नींद तो आती ही नहीं है, कम से कम 4-5 दिन तक लगातार वो तो सोते ही नहीं हैं। फिर कभी 1-2 दिन नींद आई तो आई वो भी, लेकिन दर्द में हमेशा रहते ही हैं, शरीर में कुछ ना कुछ दर्द बना रहता है। तो ऐसी परेशानियाँ रही अभी तक, तो ऐसा मतलब हमेशा रहा है। तो घर पे मैं, मेरी मतलब मेरी मम्मी और मेरा भाई, पापा हम जा रही हैं, तो पापा जी का ड्यूटी दूसरे सिटी में रहता है, तो ऐसा है कि अब पापा जी को हम अकेले नहीं रहने दे सकते, कोई ना कोई साथ में रहे साथ, क्योंकि उनको हेल्थ इशूज इस तरह की होती रहती हैं। तो लगातार इस तरह की समस्या को देख के हम मतलब घर में, मैं मतलब मम्मी, मेरा भाई, मैं, हम बहुत परेशान रहे, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है ऐसा। फिर लगा कि आजकल मतलब ऐसा हो जाता है, किसी का नज़र वज़र लग जाता है, तो ऐसी कुछ समस्याएं हमने मतलब ऐसी कुछ समस्याएं पता चली कि ऐसा कुछ है, होता है ऐसा करके, तो हमने वो भी हमारे गांव में कहीं कोई देखते हैं बाबा जी, तो उनसे भी हमने करवाया, तो वो जो भी है ऐसा बोलते हैं काट कटाव कर दिए करके तो वो ठीक हो जाएगा, तो 1-2 दिन ठीक रहते हैं, फिर वही सेम प्रॉब्लम हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा। तो हम सब मतलब परेशान हो गया, ऐसा विश्वास नहीं हो पाता कि इस तरह की कोई चीज़ें भी हैं, कि ऐसा कुछ है, ठीक है, नहीं है। हमें लगा जनरल हेल्थ इशूज है, बस वो समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो यही डॉक्टरों के चक्कर काटते रह गए, हम इधर उधर दिखा रहे हैं, बट अभी भी कुछ जनरल दवाइयाँ चल रही होती हैं। उसके बाद में फिर मतलब ये सारी समस्याओं से हम काफ़ी 1-1.5 सालों से परेशान रहे हैं लगातार ऐसा। उसके बाद मेरे एक हैं करीबी फ्रेंड हैं राजेंद्र जी, उन्होंने मतलब मैंने उनको अपनी ये सारी समस्याएं बताई, तो उन्होंने मुझे एक मतलब व्हाट्सएप नंबर है करके दिया, एक गुरुजी हैं उनका नंबर है, और इनका ये चैनल है घोर साधना करके चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप एक बार देख लो ऐसा करके। तो मैंने उनके चैनल देखे, स्क्रॉल मतलब 6-7 वीडियोस देखे होंगे, कुछ कुछ समझ में आया कि अच्छा इस टाइप का कुछ है, बट मेरे को लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा भरोसा नहीं होता कि ऐसा कुछ है। उसके बाद में फिर भी मैंने बोला हो सकता है कुछ हुआ है, हेल्थ इशूज़ होगा, कुछ होगा, कुछ भी होगा, मतलब वो बताएंगे कि किस तरह की समस्याएँ सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर दिया था, तो मैंने एक मैसेज डाला कि गुरुजी हम रायपुर से बोल रहे हैं, और मेरे को अपने पिताजी के संबंध में आपसे कुछ बातें करनी है, ऐसा करके कुछ पूछना है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने मैसेज डाला, तो उसके 10 मिनट में फिर गुरुजी का कॉल आ गया, फिर उन्होंने 1 घंटे लगभग मुझसे बात की, उन्होंने मेरी सारी समस्याओं को समझा जाना, तो उन्होंने कुछ नहीं बस बोला कि पहले पिताजी की फ़ोटो भेजिए, मैंने फ़ोटो भेजी उनको व्हाट्सएप की, और उन्होंने देखते ही सारी चीज़ें मतलब मुझे उस 1 घंटे की बातचीत में सारी बातें ऐसे बताई कि उनका मतलब जो भी हेल्थ इशूज़ है या जो अगर वाकई में कुछ प्रॉब्लम है तो वो पकड़ में आ रही नहीं आ रही, तो एक निगेटिव एनर्जी नाम की कोई चीज़ होती है भाई, तो वो लगी हुई है ऐसा, अब वो ठीक नहीं हो रही है, तो वो कैसे ठीक करें, अब ये सब चीज़ें तो भाई हमारे बस का है नहीं, समझ में भी नहीं आता कि ऐसा कुछ दुनिया में है, जो भी है पता नहीं क्यों कैसे लग जाती है। तो ये सब चीज़ें फिर गुरुजी ने बताई कि ऐसा ऐसा है, मतलब निगेटिव एनर्जी लगी हुई है और ठीक हो जाएगा, भरोसा करो, ऐसा करके उनसे बात करने के बाद में मेरे को मतलब भरोसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ऐसा हुआ है, और जो भी है जिन्होंने किया होगा या जिस कराया होगा तो वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि
मैं आपको ऐसा मतलब समस्या का ये समाधान, मतलब ऐसा एक कवच टाइप का कुछ होता है वो देंगे और उनसे ठीक हो जाएंगे करके। तो गुरुजी से बात करने के बाद में जो रिलीफ मिला मुझे, मतलब मुझे ऐसा यकीन भरोसा हुआ कि चलो फाइनली समझ में आया कि इस तरह की समस्या है और इसका समाधान ये है कि वो देंगे बना के और उससे ठीक हो जाएगा। तो अभी मेरे को 2-4 दिन में अभी ये मिलने वाला है। और मेरे पिताजी, जब मैं बात की, मतलब अभी 5-6 दिन लगभग पहले मेरी बात हुई है गुरुजी से, और जस्ट उसके 1 दिन के बाद में मेरे पिताजी मतलब काफ़ी ठीक हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब उनको थोड़ा ठीक भी लग रहा है। तो विश्वास की बात है, मतलब एक जनरल थॉट है, मुझे अब जेन्युइन जो मुझे लग रहा है कि वाकई में मेरी बात हुई इधर गुरुजी से। और 1 दिन के बाद उधर मेरे पापा जी को भी नींद आने लग गई है, वो ठीक से सोते हैं, ठीक से खाते हैं, मतलब थोड़ा ठीक है पहले से काफ़ी। और इतना विश्वास अब भरोसा ये हो गया है कि गुरुजी जो भी जो उन्होंने बनाया है, कोई कवच है ऐसा कुछ है हमारी सुरक्षा के लिए, तो वो मेरे पिताजी को दे दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिनके रेफरेंस में मुझे, वो जो मेरे फ्रेंड हैं जिनके रेफरेंस में मुझे ये चैनल अघोर साधना का मतलब डिटेल मिला, तो मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मतलब मेरी बातें सारी सुनी और हमारी समस्याओं का ये समाधान जो भी है वो अपने तरीके से हमारे साथ हैं। और मतलब बहुत मुझे भरोसा हुआ इस बात का कि चलो कोई तो है जो इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करता है, वरना हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर है क्या समस्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आज हमारे साथ में हैं और आप हमारी समस्या को समझ के उसका समाधान आप हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।